तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने सोचा दलालों की मदद से बात करने से अच्छा है डायरेक्ट बैठकर बात कर लिया जाए। अच्छा, तो अब फैसला करने आए हो जब जिंदगी खतरे में नजर आने लगी? मौत से बुजदिल डरा करते हैं जीजा जी। मैं तो यहाँ ये सोचकर आया था कि आपस का मामला है, आपस में सुलझा लिया जाए। गुंडे मवालियों को बीच में लाने की क्या जरूरत? क्यों, ये बात पहले समझ में नहीं आई? अगर पहले ही मिल बैठ के फैसला कर लेते तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। लेकिन उस वक्त तुम्हारे दिमाग में बेईमानी घुसी। मैं बेईमान नहीं हूं, अगर होता तो सारी जायदाद हड़प कर चुका होता। तुम्हारा बस चलता तो हड़पते ना। देखिए, मैं यहां बात बढ़ाने नहीं आया हूं, फैसला करने आया हूं। फैसला तो एक ही होगा, हमारी आधी जायदाद हमको दे दो बस। तुम क्या समझते हो, तुम्हें थोड़ा सा हिस्सा जायदाद का देकर बाकी मैं हड़पना चाहता हूं? गलत। उस जायदाद के तीन बराबर बराबर हिस्से होंगे, एक तुम्हारा, एक मेरा, और तीसरा हिस्सा मैं किसे दूंगा ये न तुम पूछोगे न मैं बताऊंगा। वाह, एक तो हमें तुम कम हिस्सा देना चाहते हो, ऊपर से ये भी नहीं बताना चाहते कि वो हिस्सा किसे दे रहे हो। मैं तो यही समझूंगा ना कि तुम मुझे झूठ बोलकर खुद ज्यादा हिस्सा लेना चाहते हो। मैं ये तो नहीं बता सकता कि तीसरे हिस्से का हकदार कौन है, भले ही तुम मुझे बेईमान समझो। तो ठीक है, मैं भी चुप नहीं रहने वाला। आधी जायदाद तो मुझे चाहिए ही, अगर नहीं दोगे तो मेरा वो आदमी वसूल कर लेगा। तो तुम वसूली से बाज नहीं आओगे? ठीक है, देखता हूं क्या कर लेते हो तुम लोग। मैं तो यहां इसलिए चला आया था कि तुम्हें समझा दूं। ये मत समझना कि मैं डर गया। तुम जो बातें करने आए हो ना उससे कहीं ज्यादा बातें हमारे बीच में हो चुकी हैं। अब तुम किस हद तक पहुंच गए कि हम पे केस कर दिया ताकि मामला आगे बढ़ जाए और हम मजबूर होकर जो तुम दो उसी को लेकर खुश हो जाए। ये मत भूलो कि तुम मुझे भीख नहीं दे रहे हो, मैं अपना हिस्सा वसूल करके छोड़ूंगा। ठीक है, तो तुम्हें जो करना है वो तुम करो और मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर इस जंग में तुम्हारे हाथ एक फूटी कौड़ी न लगे तो अपनी किस्मत को दोष मत दो।